हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल एमबीटेक शो में। दोस्तों इस वीडियो में आज कंपेयर करने वाले हैं दो काफ़ी कमाल के डिवाइस के बीच में। पहला है दोस्तों Redmi की तरफ से Redmi 7 और Redmi की तरफ से इस डिवाइस को चाइना मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, और दूसरा है दोस्तों Realme की तरफ से Realme 3 और ये डिवाइस दोस्तों इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में करेंगे इन दोनों डिवाइस का स्पेक्स कंपेरिजन, लुक कंपेरिजन, डिज़ाइन कंपेरिजन, और देखेंगे इन दोनों में से कौन से डिवाइस में आपको बेस्ट प्राइसिंग, बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से करें लाइक, और चैनल में नए आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। तो दोस्तों बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं दोनों डिवाइस के लुक एंड डिजाइन से। तो दोनों डिवाइस में आपको काफ़ी कमाल का लुक एंड डिज़ाइन देखने मिल जाता है। दोनों डिवाइस में बैक में आपको पॉलीकार्बन बॉडी डिजाइन देखने मिल जाता है। ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ ये डिवाइस आते हैं। 2-in-1 ग्रेडिएंट कलर देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको दोनों डिवाइस में वाटर ड्रॉप नॉट डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। तो लुक एंड डिज़ाइन के मामले में दोनों ही फ़ोन काफ़ी कमाल के हैं। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 7 में आपको 6.26 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने मिल जाती है विद 19.59 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। IPS पैनल देखने के लिए मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। Realme 3 की बात करें तो इसमें आपको 6.22 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने मिल जाती है विद 19.59 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। IPS पैनल देखने के लिए मिल जाता है, और इस डिवाइस में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने मिलती है। यहाँ पर दोस्तों बताया नहीं गया कि कौन से गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है। एंड्रॉइड की बात करें तो दोनों डिवाइस में आपको एंड्रॉइड पाई देखने मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। Redmi 7 में आपको कंपनी खुद का कस्टम UI MIUI 10 देखने मिलता है। Realme 3 में आपको Oppo का ColorOS 6 देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो Redmi 7 में आपको Qualcomm Snapdragon का 632 प्रोसेसर देखने मिल जाता है जो 1.8 GHz में क्लॉक प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और Realme 3 में आपको MediaTek का Helio का P70 प्रोसेसर देखने मिल जाता है जो 2.1 GHz में क्लॉक प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर काफ़ी बेहतर देखने मिल जाता है आपको Realme 3 में। और यहाँ पे दोस्तों Realme 3 के प्रोसेसर के साथ में आप पबजी जैसे हैवी गेम को भी काफ़ी आराम से प्ले कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कैमरास की, तो Redmi 7 में आपको रियर में डुअल कैमरे का सेटअप देखने मिल जाता है 12+2 का, और फ्रंट में आपको 8 MP का AI कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। Realme 3 में आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप देखने मिल जाता है 13+2 का, और फ्रंट में इस डिवाइस में 13 MP का AI कैमरा देखने मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों ऑन पेपर देखा जाए तो Realme 3 का कैमरा आपको काफ़ी बेहतर देखने मिल रहा है Redmi 7 के कंपेयर में। बैटरी की बात करें तो Redmi 7 में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिली है। माइक्रो USB 2.0 का सपोर्ट देखने मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। Realme 3 में आपको 4230 mAh की बैटरी देखने मिल रही है, USB 2.0 का सपोर्ट देखने मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही डिवाइस में आपको बैटरी परफॉर्मेंस सेम देखने के लिए मिल जाएगी। बात करें रैम एंड स्टोरेज की, तो Redmi 7 में आपको चाइना मार्केट में 3 वेरिएंट देखने मिलते हैं, 2GB 16GB जिसका प्राइस देखने मिलता है 7000 रुपये के आसपास, 3GB 32GB जिसका प्राइस देखने मिलता है 8000 रुपये के आसपास, 4GB 64GB जिसका प्राइस देखने मिला है 10000 रुपये के आसपास। तो फिलहाल दोस्तों ये चाइनीज़ के प्राइस है जिसे मैंने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आपको बताया है। लगभग इसी प्राइस सेगमेंट में ये डिवाइस इंडियन मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा आने वाले टाइम में। बात करें Realme 3 की, तो इसमें आपको इंडियन मार्केट में 2 वेरिएंट देखने मिलते हैं 3GB 32GB जिसका प्राइस आपको देखने मिल जाता है 8999 रुपये, और 4GB 64GB जिसका प्राइस देखने मिल जाता है 10999 रुपये। तो यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपये फ़र्क देखने मिल जाता है दोनों डिवाइस के वेरिएंट में। Realme 3 थोड़ा सा महंगा देखने मिलता है 1000 रुपये। बात करें सिक्योरिटी की, तो दोनों डिवाइस में आपको फेस अनलॉक के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है। तो दोनों डिवाइस डुअल 4G बैटरी को भी सपोर्ट करते हैं, और दोनों डिवाइस में सभी काम के सेंसर देखने मिल जाते हैं। और दोस्तों Redmi 7 में आपको IR ब्लास्टर देखने मिलता है जो Realme 3 में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों आपने देखा दोनों ही डिवाइस काफ़ी कमाल के हैं, और दोनों ही डिवाइस में प्राइस के हिसाब से काफ़ी कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं Redmi 7 से, तो ये डिवाइस दोस्तों काफ़ी कमाल का है, और आपका बजट 7000 से 8000 रुपये है तो आप इस डिवाइस का वेट कर सकते हैं। फिलहाल के ये डिवाइस लॉन्च हुआ है चाइना मार्केट में, और ये डिवाइस भी काफ़ी जल्द आपको देखने मिलेगा इंडियन मार्केट में। अप्रैल की लास्ट वीक तक ये डिवाइस आपको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं Realme 3 की, तो दोस्तों आपका बजट 9 से लेकर 11000 रुपये के आसपास है तो आप Realme 3 को दोस्तों ले सकते हैं, और ये डिवाइस इंडियन मार्केट में अवेलेबल भी है। और इस फ़ोन को आप बाय करने की सोचते हैं तो आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं Flipkart से। इस फ़ोन की दोस्तों खास बात यह है कि इस डिवाइस में आपको इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर देखने मिल जाता है काफ़ी बढ़िया कैमरे के साथ में, और बैटरी भी दोस्तों काफ़ी पावरफुल देखने के लिए मिल जाती है।
बाकी का यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा डिवाइस ज्यादा बेहतर लगा लुक डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के हिसाब से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।